हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? तो देखिए, एनालाइजिंग वेयर इंडिया स्टैंड्स इन G20, देखते हैं क्या है। ऑन सितंबर 9 एंड 10, इंडिया होस्टेड एटीन G20 समिट इन न्यू दिल्ली, फोकसिंग ऑन थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी डेवलपमेंट, हेल्थ केयर एंड डिजिटलाइजेशन वर डेलिब्रेटेड अपॉन दी ग्लोबल फोरम। तो यहाँ पे ये सारी बातें हुई हैं और एक नई चीज़ पता चली, एटीन G20 समिट था ये न्यू दिल्ली का, न्यू दिल्ली में जो हुआ था, 18 था, न्यू दिल्ली का नहीं है ये। टू डिस्कस इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है। द समिट रैप्ड अप सक्सेसफुली एज इंडिया ट्रांसफर G20 प्रेसिडेंसी टू ब्राजील। दिस एनालिसिस इवेल्युएटेड इंडियाज परफॉर्मेंस इन रीसेंट डेकेड्स अक्रॉस द वेरियस सोशियो इकोनॉमिक मेट्रिक्स इन कंपेरिजन टू इट्स फेलो G20 मेंबर्स। द G20 इज मेड अप ऑफ, देखिए अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। आपको अगर मैपिंग पता है तो अपने माइंड में वो बना के चलिए, इंडिया यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, ठीक है, चाइना उसके ऊपर हो गया, साउथ कोरिया यहाँ पे हो गया, जापान यहाँ हो गया, इंडोनेशिया उसके नीचे हो गया। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मेक्सिको, कनाडा, US, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया। तो ये सारे हो रहे हैं, और अब इसमें अफ्रीकन यूनियन भी है, जैसे यूरोपियन यूनियन वैसे अफ्रीकन यूनियन। चार्ट वन कंपेयर्स द GDP पर कैपिटा ऑफ इन डॉलर ऑफ 19 रीजन्स, 18 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन बिटवीन 1970 एंड 2022। GDP पर कैपिटा इज द सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय द ऑल रेसिडेंट प्रोड्यूसर इन एन इकॉनमी डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन। इन 1970 विद द GDP पर कैपिटा ऑफ $111.97, इंडिया रैंक 18 आउट ऑफ 19 रीजन्स एनालाइज्ड, वाइल इंडोनेशिया लैग्ड बिहाइंड इंडिया इन 1970। इट मूव अहेड बाय 2022, पुशिंग इंडिया टू द लास्ट स्पॉट विथ अ GDP पर कैपिटा ऑफ $2,388। अब देखिए यहाँ पे एक पहला चीज़ आ गया, GDP पर कैपिटा। एक पहला चीज़ ये है, GDP पर कैपिटा, मैं आपको ही समझाऊंगा सारा। चार्ट टू कंपेयर्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ HDI। किधर गया चार्ट टू आपका? ये रहा HDI, देखिए। चार्ट टू कंपेयर्स द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 19 कंट्रीज बिटवीन 1990 एंड 2021। द HDI इज मेजर, देखिए, द HDI इज मेजर ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सेस टू एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड लिविंग। HDI इन दी ग्राफ इज मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ 0 वर्स्ट टू 1 बेस्ट। इंडियाज HDI इम्प्रूव फ्रॉम 0.43 इन 92, 0.63 इन 2021। However, despite its progress in absolute term, India ranked at the bottom of the list. India अभी भी नीचे है, सबसे नीचे। नीचे क्या, सबसे नीचे। आप देखिए किधर गया, इंडिया सबसे पीछे है HDI में। पहले भी पीछे था, दो उसका पोजीशन इंप्रूव हुआ है, पर अभी भी सबसे पीछे है। इंडियाज परफॉर्मेंस हैज सीन रिलेटिव इम्प्रूवमेंट इन मेट्रिक रिलेटिंग टू हेल्थ, इवन दो देर हैज़ बिन ग्रोथ इन एब्सोल्यूट नंबर। In 1990, the average life expectancy in India was 45.22 years, which was better than China's 33.27 years. By 2021, life expectancy rose to 67.27 years ahead of South Africa. However, India's ranking remained the same as China surpassed India in 1990 with the infant mortality rate of 88.8. India ranked at the bottom of the G20 regions analyzed. In 2021, the infant mortality rate improved to 25.5 and India ranked 19, just ahead of South Africa 26.4. इसका मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं, पहले चाइना पीछे था 1990 में और इंडिया सेकंड लास्ट पर था, चाइना लास्ट पर था। अब क्या हुआ, चाइना ने इंडिया को पीछे किया, और चाइना ने इंडिया को पीछे किया, इंडिया से आगे निकल गया, और इंडिया ने साउथ अफ्रीका को पीछे किया। तो इंडिया अभी भी उसी पोजीशन पर है, और देखिए साउथ अफ्रीका और इंडिया के उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है,
बहुत पास में ही है ये लोग, इस वजह से इंडिया अभी भी लास्ट पर ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और इसमें सेकंड लास्ट पर है, पर पूरे आपके HDI जो इंडेक्स है उसमें लास्ट पर है। ठीक है, चार्ट 3 देखिए, कंपेयर्स द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 1990, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 21-22। अबव 15 ईयर ऑफ एज इन दी 20 रीजन्स बिटवीन 1990 एंड 2021-22। इन 1990 द LFR है, लेबर फोर्स जो है आपका फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ 54.2%। इंडिया रैंक 18 अबव इटली एंड सऊदी अरेबिया। मतलब उस समय देखिए इंडिया जो है आगे है किससे, इटली से, सऊदी अरेबिया से। ठीक है, अब देखिए क्या सिचुएशन है, किधर गया, अबव इटली एंड सऊदी अरेबिया। इन 21 एंड 22 इट रैंक स्लिप टू 19, जो पहले 18 पर था अब 19 पर आ गया। कैसे, ओनली अहेड ऑफ इटलीज 49.4%। नोटेबली इंडिया LFPR ऑल्सो डिक्रीज टू 49.5। मतलब क्या इसमें कोई मेजर डिफरेंस है, नहीं है। तो इंडिया अभी भी आप देखो तो 0.1% का डिफरेंस है। तो हाँ, यहाँ पे आप देखिए ग्राफ में भी दिख रहा है कि साथ में ही है, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे है। तो इंडिया एक तरीके से इसमें भी आप देखो लास्ट पे ही है, सेकेंड लास्ट अगर आगे होता तो समझ में आता, पर सेकंड लास्ट लास्ट एक ही पोजीशन पर है। यहाँ यहाँ इंडिया लास्ट है, यहाँ लास्ट है, यहाँ पे लास्ट है। चार्ट 4, कंपेयर्स द शेयर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट। देखिए, कंपेयर्स द शेयर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट ऑफ 19 रीजन्स, 18 प्लस वही बात होगी यूरोपियन यूनियन अकेला रीजनल ग्रुप और 18 हाँ कंट्रीज, बिटवीन 1998 एंड 2022। डिस्पाइट हैविंग सीन सेवरल वुमेन इन लीडरशिप पोजिशन, इंडिया रिलेटिव ग्रोथ इन शेयर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट हैज बीन स्लो विथ मेनी कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन आउटपेसिंग इंडिया फ्रॉम 8.1% इन 1998, द शेयर ऑलमोस्ट डबल टू 14.9% इन 2022। बट वेन कंपेयर टू 18 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, इंडिया रैंक स्लिप फ्रॉम 15 टू 18 इन 2022, जस्ट अहेड ऑफ जापान जो 9.9 है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडिया देखिए 17 में है वुमेन पार्टिसिपेशन 1970 में, और ये पार्लियामेंट का भी का है ये, तो इंडिया ये रहा। तो इंडिया इसमें भी कुछ ऐसा कुछ खास अच्छा नहीं किया। इंडिया है सक्सीडेड इन कर्विंग कार्बन एमिशन ओवर द पास्ट 3 decades, इट हैज बिन लोएस्ट एमिटर ऑफ CO2 इन 1990 एंड 2020 अमंग द 20 रीजन्स एनालाइज्ड। हाउएवर इट्स प्रोग्रेस इज अडेप्टिंग इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेज टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट चेंज हैज बिन रिलेटिवली स्लो। मोस्ट G20 नेशन एक्सक्लूडिंग द US एंड मेक्सिको जनरेटेड लेस देन 2% ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल्स इन 1990। बाई 2015 ओनली 5.36% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल्स। अब देखिए हमारे लिए इस आर्टिकल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आर्टिकल आज का हमारे लिए इंपॉर्टेंट मुझको सबसे ज्यादा लग रहा है। देखिए सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं GDP पर कैपिटा, यहाँ पे हमने पढ़ा है GDP पर कैपिटा। ठीक है, आप GDP निकाल, जैसे आप निकालते हैं और उसको पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर दीजिए, तो GDP पर इंडिया का आज भी $2,300 समथिंग समथिंग है, तो मैं इसको अप्रॉक्स मान लेता हूँ $2,400 पर कैपिटा इनकम है। तो इसको अगर आप कंपेयर करेंगे रुपीस में डालेंगे तो ये हो जाता है 1.5 लाख रुपया महीना लगभग लगभग। क्या 1.5 लाख रुपया महीना हर आदमी कमा रहा है, रिक्शा वाला कमा रहा है अपना 1.5 लाख रुपया महीना, तो नहीं ना कमा रहा है। तो इसीलिए ये एवरेज है, और एवरेज में भी हम लोग बहुत कम है, एवरेज है प्लस एवरेज भी कम है प्लस इसमें इनइक्वालिटी भी है। तो आप समझ रहे हैं इंडिया की सिचुएशन यहाँ पे कितनी खराब है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ GDP पर कैपिटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा आप देखिए HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ पे देखिए इंडिया पर कैपिटा में कहाँ था। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट था 1970 में, अब इंडिया लास्ट हो चुका है, और ये भी नहीं कि साथ में कोई है, बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है। अब जो इंडोनेशिया है, जो कितना इंडोनेशिया का हमने यहाँ पे पढ़ा था, अब देखिए इंडोनेशिया का खैर नहीं दिया। अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अब इसमें इंडिया पहले भी सेकंड लास्ट पर था, आज भी सेकंड लास्ट पर है। क्यों?
पहले इसके पीछे चाइना था, चाइना ने इसको सरपास किया, अब इसके पीछे कौन है, साउथ अफ्रीका है। तो ठीक है, देखिए कोई इम्प्रूवमेंट ऐसा सच नहीं है। थर्ड, अब देखिए कंपेयर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है आपका इंडिया का, देखिए HDI पहले भी लास्ट में, अभी भी लास्ट में। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखिए पहले थर्ड लास्ट था, अब सेकंड लास्ट, और लास्ट में कोई ऐसा अंतर नहीं है। तो मैं, मेरे हिसाब से तो अभी भी देखिए थर्ड लास्ट से लास्ट आ गया आपका। और फोर्थ आप देखिए यहाँ पर आ जा रहा है शेयर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट। तो ठीक है लीडरशिप आ रहा है, पर ऐसा कोई हम लोग एक्नोलेज अच्छे से नहीं कर पा रहे। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया खराबी कर रहा है, और बहुत सारे इश्यूज हैं जहाँ पे इंडिया अच्छा भी कर रहा है, पर क्या हमें इन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए? जहाँ कर रहा है अच्छा वहाँ पे ध्यान देना चाहिए, पर इन सब पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि इंडिया डेवलप हो पाए। तो ये कुछ थोड़ा सा ये आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मुझको लगा एक, जितना हम लोग खुश हो रहे थे ना कि इंडिया ये इंडिया वो, थोड़ा सा रियलिटी चेक था हमारे लिए ये चीज़, और इसको देख के हमें ऐसी पॉलिसी इसको नज़र में रखते हुए बनानी चाहिए। सो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। इनइक्वेलिटी कम करनी है हमें, ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा रखना है अपना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ठीक करना है, और अब वुमेन्स को पार्लियामेंट में भी ले आओ। चलो अच्छा ही ले आओ, अच्छा है चलो। तो वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।